जी भाई लोग, तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया साहब। तो भाई जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीजन 14 के सेकंड वीक के रॉयल पास के मिशन आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको ये मिशन पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आपको ये मिशन कौन से मोड में कंप्लीट करने चाहिए और आपको ये मिशन कैसे कंप्लीट करने हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही पबजी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप पहला मिशन देख सकते हैं, यहाँ पे दो दिए गए हैं, आपको दोनों में से एक चूज करना है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहला मिशन है डील ए टोटल ऑफ 800 डैमेज इन ए सिंगल मैच इन क्लासिक मैच। तो भाई इसका मतलब है कि आपको क्लासिक मैच में एक ही मैच में 800 का डैमेज देना है। तो भाई अगर आप क्लासिक मैच में 9 से लेके 10 बंदे किल करते हैं तो आपको 800 का डैमेज मिल जाएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये मिशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ये अनरैंक्ड क्लासिक मोड में मिशन कंप्लीट कीजिए। तो भाई यहां पे आप दूसरा मिशन देख सकते हैं, किल 20 एनिमीज विद एसएमजी इन लॉस लियोनेस मीरामर। तो भाई इसका मतलब है कि जो मीरामर में एक प्लेस है जिसका नाम है लॉस लियोनेस, वो उसमें आपको 20 एनिमी किल करने हैं एसएमजी गन के साथ। अब बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा मिशन चूज करना चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ये 800 वाला पहले वाला मिशन चूज कीजिए, ये काफी आसान है, आप ये आसानी से कर पाएंगे और आप ये मिशन अनरैंक्ड क्लासिक मोड में कंप्लीट कीजिएगा, वहां पे आप आसानी से कर जाएंगे। यहां पे आप दूसरा मिशन देख सकते हैं, दूसरे मिशन भी आपको दो मिशन मिल जाएंगे, आपको दोनों में से एक चूज करना है। तो भाई यहाँ पे आप पहला मिशन देख सकते हैं, किल 20 एनिमीज विद एसएमजी गन इन मिलिट्री बेस एरिया इन क्लासिक मोड। तो भाई इसका मतलब है आपको क्लासिक मोड में मिलिट्री बेस एरिया में एसएमजी गन के साथ 20 एनिमी किल करने हैं। एसएमजी गन जैसे वेक्टर, UMP9, UZ, आपको इन गन के साथ 20 एनिमी किल करना है मिलिट्री बेस एरिया में। तो यहाँ पे इसी का ही दूसरा मिशन है, किल 20 एनिमीज विद एसएमजी इन पैराडाइज रिसोर्ट सैनोक इन क्लासिक मोड। तो भाई इसका मतलब है क्लासिक मोड में सैनोक मैप है, उसमें आपको एक प्लेस मिल जाएगा जिसका नाम है पैराडाइज रिसोर्ट, आपको वहां पे एसएमजी गन के साथ 20 एनिमी किल करने हैं। यहां पे आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मिशन इन दोनों में से कंप्लीट करना है, आपको कौन सा आसान लगता है। भाई यहां पे आप तीसरा मिशन देख सकते हैं, यहां पे सिर्फ एक ही मिशन है, आपको चूज करने की ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे तीसरा मिशन है, पिक अप 8 स्कोप इन 3 मैच इन क्लासिक मोड। तो भाई इसका मतलब है क्लासिक मोड में आपको 3 मैचेस में एक-एक बार 8x स्कोप पिक अप करना है, यानी कि उठाना है, उसके बाद आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आप चौथा मिशन देख सकते हैं, कंप्लीट 14 मैचेस विद फ्रेंड इन एनी मोड। तो भाई इसका मतलब है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ 14 मैच कंप्लीट करने हैं किसी भी मोड में। आप आर्केड मोड खेल सकते हैं, आप कोई भी मोड खेल सकते हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ 14 मैच खेलने हैं, उसके बाद ये मिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रहे, आपको रैंडम्स के साथ नहीं खेलना है। अगर आप रैंडम के साथ खेलते हैं तो आपका ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा, आपको सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है तो ही ये मिशन कंप्लीट हो पाएगा। तो भाई यहाँ पे आप नंबर 5 पे मिशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो मिशन मिल जाएगा, दोनों में से एक चूज करना है। यहाँ पे आप पहला मिशन देख सकते हैं, फिनिश इन द टॉप 10 इन लीविक 12 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो भाई इसका मतलब है आपको लीविक मैच में टॉप 10 में आना है 12 टाइम, उसके बाद ये आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा मिशन आप देख सकते हैं, फिनिश इन द टॉप 20 इन सैनोक 5 टाइम इन क्लासिक मोड। इसका मतलब है कि सैनोक मैप में आपको टॉप 20 में आना है 5 बार। तो भाई ये मिशन दोनों ही आसान है, आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप सेकंड वाला चूज कीजिए, सैनोक वाला। सैनोक में आप ये मिशन आसानी से कर पाएंगे। भाई यहां पे नंबर 6 पे मिशन आता है, यहां पे भी आपको दो मिशन मिल जाएंगे, दोनों में से आपको एक चूज करना है। भाई यहां पे पहला मिशन है, किल 20 एनिमीज विद असल्ट राइफल इन लीविक इन क्लासिक मोड। तो भाई इसका मतलब है आपको लीविक मैप में असल्ट राइफल के साथ, जैसे कि M4 AKM, M16 A4 ग्रोजा, ऐसी गन्स के साथ आपको 20 एनिमी किल करने हैं लीविक मैच में, तो आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा मिशन देख सकते हैं, कंप्लीट 2 ब्रदर्स इन आर्म मैच। तो भाई ये काफी टफ मिशन है, आपको ये मिशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आप ये पहले वाला मिशन कंप्लीट कीजिए, किल 20 एनिमीज विद असल्ट राइफल, ये वाला मिशन कंप्लीट कीजिए, ये आसानी से आप मिशन कंप्लीट कर जाएंगे, तो आपको दूसरा मिशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे नंबर 7 पे आप मिशन देख सकते हैं, विन ए क्लासिक मैच 1 टाइम विल वायरिंग ए लेवल 3 हेलमेट। भाई इसका मतलब है आपको क्लासिक मोड में एक मैच विन करना है जब आपके सर पे लेवल 3 का हेलमेट होगा। तो भाई ये काफी आसान मिशन है, आपको सिर्फ एक मैच विन करना है जब आपके सर पे लेवल 3 का हेलमेट होगा। तो भाई यहाँ पे नंबर 8 पे आप मिशन देख सकते हैं, किल 7 एनिमीज विद शॉटगन इन रैंगल इन क्लासिक मोड। तो भाई इसका मतलब है आपको किसी भी शॉटगन के साथ क्लासिक मोड में
में 7 एनिमी किल करना है, वो चाहे आप एक मैच में किल कर लें या आप 7 मैच में एक एक एनिमी किल कर लें, आपको 7 एनिमी किल करने हैं शॉटगन के साथ, वो भी क्लासिक मोड में। भाई यहाँ पे नंबर 9 पे मिशन देख सकते हैं, पिक अप डिजर्ट ईगल इन 8 मैच इन क्लासिक मोड। तो भाई इसका मतलब है आपको क्लासिक मोड में डिजर्ट ईगल नाम का एक पिस्टल आता है, वो आपको 8 मैच में एक एक बार पिकअप करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आप नंबर 10 पे मिशन देख सकते हैं, पिकअप MK12 इन 10 मैच इन क्लासिक मोड। तो भाई इसका मतलब है आपको क्लासिक मोड में MK12 नाम की एक गन है, वो आपको 10 मैच में एक एक बार पिकअप करनी है। तो भाई ये जो MK12 गन है ये सिर्फ लीविक मैप में अभी अवेलेबल है, आपको लीविक मैप लगा लेना है, उसमें आपको 10 मैच में एक एक बार MK12 गन पिकअप करनी है, तब आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह ये थे आपके सामने सेकंड वीक के रॉयल पास के मिशन। तो भाई अगर आपको फिर भी मिशन कंप्लीट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा। होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।